मैं बताती हूँ आपको कि मनी ट्रेल कहाँ है। ये है मनी ट्रेल, शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी और अरबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थ केयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं, मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है, सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है।